पति की दीर्घायु के लिए आज महिलाएं करवा चौथ का निर्जला व्रत रखकर तैयारियों में लगी हुई हैं और रात को चंद्रमा पूजन के बाद जल ग्रहण करेंगी। शहर में भगवान श्री गणेश मंदिरों में चौथ तिथि पर विशेष श्रृंगार भी किया गया। इस दिन महिलाएं गणेश चतुर्थी की तरह दिन भर उपवास रखकर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलती हैं। देशभर में आज करवा चौथ मनाया जा रहा है। महिलाएं सुबह से निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। ये व्रत सुबह सूर्योदय से शुरू होकर शाम को चांद निकलने तक रखा जाएगा। शाम को चंद्रमा के दर्शन करके अर्घ्य अर्पित करने के बाद पति के हाथ से पानी पीकर महिलाएं व्रत खोलेंगी। इस दिन चतुर्थी माता और गणेश जी की भी पूजा की जाती है। इस बार करवा चौथ पर ग्रहों की स्थिति भी खास है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के प्रांगण में स्थित चौथ माता मंदिर है, जो विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जो गणेश जी की सूंड से चौथ माता को मोदक खिलाते हुए चौथ माता विराजमान है और यहाँ प्रतिमा अपने भक्तों को सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करती है। यह मंदिर का इतिहास करीबन 500 साल पुराना है। पुराणों में लिखित माना गया है कि यह प्रतिमा महाकाल मंदिर प्रांगण में स्थित है। आज के दिन जो महिलाएं निर्जला व्रत करके अपनी पति की लंबी उम्र के लिए चौथ माता मंदिर प्रांगण में आकर पूजन अर्चन कर सूर्य को अर्घ्य देकर माता को हल्दी कुमकुम अर्पित करके यहीं से पूजा कर सूर्य को अर्घ्य देकर अपने व्रत खोलती है। इस व्रत को करने से धन धान्य और सबसे ज्यादा पुत्र और पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। पुत्र का भी इससे वर्णन किया जाता है, किसी की गोद खाली ना रहे, इसलिए भी इस उपास को किया जाता है। इसके लिए भी चौथ माता और गणेश जी की पूजा की जाती है। ये करवा चौथ माता का मंदिर है जो कि महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण के अंदर है। यह माता जी का मंदिर सौभाग्य नारियों को सौभाग्य प्रदान करता है। आज करवा चौथ का जो महापर्व है वो उज्जैनी में धूमधाम से मनाया जा रहा है। माता का सुबह श्रृंगार किया गया है। करवा चौथ माता का स्वरूप गणेश जी की गोदी में विराजमान है और गणेश जी को मोदक खिलाते हुए चौथ माता विराजमान है और यह प्रतिमा माता जी अपने भक्तों को सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करती है। करवा चौथ माता का मंदिर है, ये बड़ा प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर सभी महिलाएं आके दर्शन करती है और यहाँ पर हर महिलाओं की मन्नत पूरी होती है और मैं भी आज यहाँ पर आई। आज मेरा पहला करवा चौथ है, इसीलिए मैं यहाँ पर दर्शन करना है। जय माता जी। भैया, करवा चौथ का व्रत बहुत ही प्राचीनतम इसकी कहानी है और ये भगवान गजानन जी के लिए और माता चौथ माता के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से अन्न धन और सबसे ज़्यादा तो पुत्र की लंबी उम्र और पति की लंबी उम्र के लिए भी व्रत किया जाता है, लेकिन पुत्र का भी इसमें वर्णन आता है कि पुत्र अपनी गोद खाली ना रहे, इसके लिए भी चौथ माता और विंदायक जी की पूजा की जाती है और ये व्रत पूरा निर्जल रहकर किया जाता है। आज करवा चतुर्थी है। करवा होता है मिट्टी का एक बर्तन जिसको बोलते हैं, उसमें करवे की तरह एक नोक होती है। करवा सुहागनों के का प्रतीक होता है। करवे का पानी पीने से हमारे शरीर के भी बहुत सारे रोग दोष दूर होते हैं, क्योंकि ये प्रकृति का भी एक नियम है कि यहाँ प्रकृति चेंज होती है। तो हम यहाँ पर करवे का जो पानी पीते हैं, आज दोपहर में हम पूजा करेंगे 3 बजे विंदायक जी की चौथ माता की, और फिर करवे का पानी पीते हैं, फिर पति द्वारा रात को जल चंद्रमा का अर्घ दे के व्रत खोलते हैं और वो भी पति के ही हाथों से पानी पी के और फिर